अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भैया स्पाइस। तो आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है फ्रोजन समोसे की। किस तरह आप समोसे को फ्रीज कर सकते हैं जिससे आपका समोसा ना तो फटेगा और ना ही जब आप उसे फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा ऑयल पिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए तो देखते हैं कि किन चीजों की हमें जरूरत है। जी तो इस तरह का एक बड़ा बोल या टप आपको चाहिए होगा। इस तरह का बैग है मेरे पास प्लेन फ्लोर का, 1.5 kg। पानी मैंने लिया है नीम गरम, 2 teaspoon साल्ट है, नमक है मेरे पास, 2 teaspoon जीरा है मेरे पास, क्योंकि मैं चिकन के समोसे बनाऊंगा तो मैंने जीरा लिया। अगर आप वेजिटेबल समोसे बनाएं तो आप अजवाइन डाल लीजिएगा। और 280 ग्राम मेरे पास घी है, ये कुकिंग ऑयल नहीं है, और इसे मैंने नीम गर्म कर लिया है। सबसे पहले आटे को मैं इसमें डाल लूंगा बाउल में। अभी ये जो मेरे पास घी है ये मैं सारा घी इसमें डाल दूंगा और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूंगा प्लेन फ्लोर में। आपने ये जो प्रोसेस है घी और आटे वाला मिक्सिंग करनी है, ये आपने अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। इसको आपने यहाँ पे मेहनत आपकी होगी तो आपका समोसा बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह, क्योंकि मेरा घी भी मिक्स हो चुका है, इस तरह इसके अंदर ये जो दाने वगैरह है ये मैं इस तरह मल के इसको ख़त्म कर दूंगा और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा इसमें। यहाँ पे मैंने घी और आटा 4 से 5 मिनट मैंने लगाए और अच्छी तरह ये मिक्स हो चुके हैं। ये मशीन को कवर लगा हुआ है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं उतार लूंगा और दोबारा इस चीज को यहाँ पे फिक्स कर दूंगा और आटा जो है मैं इसके इस बॉल में डाल दूंगा। नमक और जीरा मसाला जो है वो मैं अभी ऐड कर दूंगा यहाँ पे, और मशीन में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे आटे को गूंद लूंगा। ये पानी जो है मेरे पास नीम गर्म है, क्योंकि सर्दी है तो इसलिए मैंने नीम गर्म पानी में थोड़ा थोड़ा हाथों से भी गूंदे तो थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, इकट्ठा पानी नहीं इसमें डालना। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करता रहूंगा। मैंने इस आटे को सख्त गूंदना है, नरम रोटी की तरह या नान की तरह भी इसको गूंदना। 7 मिनट इसे गुजर चुके हैं, इस तरह स्लो स्पीड पे मैंने इसे रखा हुआ था। हमारा आटा जो है नियरली बस गुल चुका है, इसे तकरीबन 2 मिनट और रहने दूंगा और इसके बाद हमें अन्न से निकाल देंगे मशीन से। मशीन को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि आटा ज़्यादा था तो ये 10 से 12 मिनट में अच्छी तरह नहीं रेडी नहीं हुआ था, तो उसमें से 15 मिनट हुए हैं, तो अभी हम इसे ऑफ करके आटा जो है वो निकाल लेंगे। और आटे को तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम अपने पेड़े कर लेंगे। ये मेरे पास सूती दज्जी थी तो इसे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा वेट किया है और इसे इस आटे पे डाल दूंगा, इससे इस पे जो छिल्लड़ आता है वो नहीं आएगा। मेरे तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं, आटा मैंने रखा था और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्राई प्लेन फ्लोर ले लूंगा, इसके मैं पेड़े कर लूंगा। मैं तकरीबन इतना पेड़ा ले रहा हूँ, ये इसे 2 समोसे में निकालूंगा। ये मैं इस तरह सारे पेड़े बना लूँ, फिर दोबारा मिलते हैं। जी तो इस तरह मैंने तकरीबन 10 पेड़े कर लिए हैं। अभी मैं जो पहले मैंने पेड़े बनाए थे उनकी मैं इस तरह से इसकी टिक्कियाँ बना लूंगा हाथ की मदद से। जी तो इस तरह मैंने सारी टिक्कियां जो है बना ली हैं। अभी हम इसको इन सारी को बेल लेंगे। इनकी शेप जो है हम इस तरह थोड़ी लंबी रखेंगे, जो ऊपर वाली साइड है इसको थोड़ा सा आटा लगा दें। इस तरह मैं ये सारी बेल लूँ, फिर इनको लेके जाते हैं तवे पे। जी तो टिक्कियों से ये मैंने अभी रोटियां बना ली हैं,
अभी मैं तवा रख के तवे के नीचे आग जला लेता हूँ। इस तरह का मैंने एक हॉट पॉट लिया है, आप कोई भी थोड़ा गहरा बर्तन ले लें और उसमें इन रोटियों को हम थोड़ा थोड़ा सेक कराएंगे। पूरा इस रोटी को पकाना नहीं है, एक दफा इस पे डालें और जल्दी जल्दी इसकी दूसरी साइड जो है वो चेंज कर लें। हमने इनको फुल पकाना नहीं है, बस इसके अंदर जो इसकी थोड़ी नमी वगैरह है वही हमने निकालनी है। इस तरह इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, अदरवाइज ये अच्छे नहीं बनेंगे। ये अभी हमारी सारी हो चुकी हैं, अभी जो चपातीज मैंने बनाई थी इनको मैं तकरीबन 10 3 5 में निकालूंगा और 5 बार फिर से निकालूंगा और इनको एक जैसी बराबर रख के मिडल से काट लूंगा। आपने इनको बिल्कुल हल्का सा सेक करवाना है, इस तरह इसको फोल्ड करें, हमारा मिडल हो जाएगा इससे। और ऐसे रख के किसी बड़ी छुरी की मदद से काट लें। ये मैंने इस तरह सारी काट ली हैं। अभी ये हमारी पट्टियां जो है ये रेडी हैं और अभी हम इनमें इनको हार्ड पार्ट में रख देंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिलिंग भी रेडी करेंगे और इनको फिल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसका समोसा फ्रीज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।